देखिए मणिपुर के विषय में पूरा देश सकते में है। महाभारत काल के अंदर बताया जाता था कि द्रौपदी के वस्त्र जो है हरने की कोशिश ही की गई थी, निर्वस्त्र नहीं हुई थी, कोशिश की थी, भगवान आ गए बचाने और उसके बाद उस पूरे कुल का नाश हो गया। जो भी थे वहां पे, चाहे भीष्म थे, द्रोण थे, धृतराष्ट्र थे, कौरव थे, जो थे सबका नाश हो गया। आज इतने वर्षों बाद दो महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, ये बहुत बुरी घटना है। और वहां पे कहा से आ सकता है एक तरीके का जेनोसाइड चल रहा है, एक पूरी की पूरी ट्राइब को इराडिकेट करने की कोशिश चल रही है, सरकार द्वारा मदद की जा रही है। मुझे याद है जब निर्भया का समय हुआ था तो ऐसा नहीं है कि निर्भया के बाद कोई बलात्कार नहीं हुए या निर्भया से पहले कोई बलात्कार नहीं हुए, दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में या गुजरात में कोई बलात्कार नहीं हुए, मगर यह नहीं कहा गया कि साहब आप निर्भया को लेके इतना क्यों झंडे लेके निकल रहे हैं, ये तो गुजरात में भी बलात्कार होते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई कोई घटना पूरे देश की संवेदना को झकझोड़ देती है और पूरे देश का समाज, सिविल सोसाइटी, एनजीओस, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक क्लींजिंग शुरू करती है प्रशासन के अंदर कि इस तरीके की चीज ना हो। इसको ये कह के कहना कि साहब यहां भी हो गया, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, अरे जहां पे भी हो गया सब जगह गलत है, मगर वहां जहां हुआ, जहां पे एक एक तरीके की दंगे, जिनोसाइड और एक पूरे के पूरे समाज के खिलाफ काम करने की मंशा से, उसको प्रताड़ित करने की मंशा से जो ये काम किया गया, इसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से पुलिस के व्यवहार के ऊपर प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि उन महिलाओं को वहीं की पुलिस ने उन लोगों के हवाले किया, ये बहुत गंभीर बात है।